नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रुत लाइव न्यूज नेटवर्क। बहुत ही बड़ी खबर जो सीतामढ़ी जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रेम विवाह कर घर से भागी लड़की का एक वर्ष बाद संदिग्ध हालत में मृत शरीर नदी किनारे से बरामद किया गया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जिले के कन्हौड़ी थाना क्षेत्र के अररिया गाँव निवासी रूपलाल महतो की पुत्री नीलम कुमारी एक वर्ष पहले अपने मर्जी से एक लड़के से शादी करके घर चली गई थी। वहीं लड़के पक्ष द्वारा युवती के शव को जलाने की तैयारी शमशान घाट में की जा रही थी, लेकिन उससे पूर्व दर्जनों की संख्या में एवं सूचना पर पहुंचे लड़की के भाई ने अपनी बहन के मृत शरीर को शमशान घाट से बरामद कर लिया। वहीं शव जलाने का पूरा बंदोबस्त वहां पर कराया गया था, लकड़ी से लेकर मिट्टी तेल तक भी वहां पर रखा गया था। लड़की की मौत से घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जानकारी के मुताबिक एक वर्ष पहले इंद्रवा पंचायत के नरकटिया गाँव निवासी राजदेव शाह के पुत्र दिगंबर कुमार के साथ हुआ प्रेम विवाह कर घर चली गई थी। फिलहाल नीलम पेट से थी। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी भेज दिया है। मृतक महिला के परिजनों के मुताबिक यह एक हत्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नीलम के पिता रूपलाल महतो शराब मामले में गिरफ्तार हुए, जो अभी जेल में है। त्रुत लाइव संवाददाता मोना पटेल की रिपोर्ट, देखते रहिए त्रुत लाइव न्यूज नेटवर्क। शादी किया हुआ था साल भर पहले, आज सुबह हमको सूचना मिला है कि ऐसे ऐसे मार दिया गया है, तो घर घस के मार दिया था। कहाँ शादी हुआ था इसकी? नरकटिया। नरकटिया, हाँ, थनबरसा थाना है। हाँ, अच्छा। लड़का? लड़का नरकटिया का है। अच्छा, मायके कहाँ है लड़की का? अररिया। कौन थाना है? कन्हौली थाना। अच्छा, एक साल पहले प्रेम विवाह हुआ था लोग का? हाँ जी सर। हाँ जी सर, तो सब चीज़ ठीक चल रहा था एक साल से? कोई आप लोग को वो है महिला है, वो नदी पर ले गए और ले गए तो हमारा मालूम भेल तो दुबरल गेली हम, जब भी हम दुब के गेली तो सब भागे लगले, ला छोड़ दल के वही जन। तो आप क्या किए, थाना को सूचना दिए थे? जी जी। तो अभी कहाँ लाए इसको? अभी पोस्टमार्टम में। अच्छा।